हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ मूली गाजर हरी मिर्च की अचार, और मैं ये अचार बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी। और इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ना इसे धूप में सुखाना है और ना धूप में दिखाना है, बस बनाओ और खाओ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप इस तरह से इसे एक कंटेनर में भर करके फ्रीज में 1 से 2 महीने तक इसे आप खा सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सच बताऊँ तो मैं बनाई हूँ, और इसमें से गाजर और मूली ले ले करके मैं खाती रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं ले ले करके खा रही थी। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ हरी मिर्च और 2 मूली और 2 गाजर और अच्छे से वॉश करके मैंने ले ली, और इसे इस तरह से हम रखेंगे और इसे हम छिलका को निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने छिलके को निकाल लिया, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हम काटेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग आप जिस तरह से अगर चाहे उस तरह से आप इसे स्लाइस में काट सकते हैं। मैं इस तरह से काट रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह से भी काट सकते हैं। और मैंने सारी सब्जियाँ काट ली, यानी अचार की जो भी मैं डालूँगी वो काट ली, मूली गाजर हरी मिर्च। अब चलिए इसे हम अचार बनाने में मसाला को प्रयोग क्या क्या करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मसाले के लिए मैंने एक तवा चढ़ाई हूँ, इस पर मैं कुछ अभी मैंने गैस ऑन नहीं की और मैंने स्लो करके फ्लेम करके इस पर अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे। तो पहले हम 1 चम्मच राई डालेंगे, और ये जो है गर्म हो गई थी तो मैंने गैस को ऑफ कर दी, और 1 चम्मच राई डाली, और इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फिर 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ इसमें डाल दूँगी। एक बड़े चम्मच धनिया, गोटा हुआ धनिया जो आता है ना वो डालेंगे, और इसे हम रोस्ट करेंगे। हाफ टी स्पून मेथी डालेंगे, और सबको एक साथ मिक्स करते जाएंगे, एक जगह नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये जलने का चांस रहेंगे। साथ में ही इसमें अगर आपके पास गुलकी जो होता है ना वो है तो वो आप डाल दें, नहीं तो आप ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है वो आप अचार में यूज करें। तो मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी हूँ, और इस तरह से एक जार में हम इसे निकाल लेंगे, और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद इसे एक पाउडर बनाएंगे। कढ़ाई की मैंने गरम कर रही हूँ, और कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाली हूँ, और ये मस्टर्ड ऑयल है, और आप इसे अच्छे से पहले गरम करें, नहीं तो इसके स्मेल आती है। और ये गरम हो गई तो मैंने इसमें पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे, और उसके बाद गाजर और मूली डाल देंगे, और सबको एक साथ चला देंगे। इस तरह से अगर आप अचार कभी नहीं बनाए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है अचार, और कुछ सुखाने खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ठंडे के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ठंडी में धूप ज़्यादा आती नहीं है फ्लाइट में, और अच्छे से ये अचार हम यूज कर सकते हैं। और मैंने 1 टेस्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ, और ये काश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं 1 टेस्पून भर के डाली हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने मिर्ची डाली हूँ तो काफ़ी तीखी होगी ही। और ये है ब्लैक पेपर जिसे मैं पाउडर यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो गोल वाला जो आता है वो यूज करें। और 1 टीस्पून छोटी सी चम्मच से, यानी हाफ टी स्पून है अजवाइन, उसे भी हम इसमें डाल देंगे,
और ये सब डालने के बाद जो मैं मसाला बनाई हूँ उसे भी ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। नमक अचार में थोड़ी ज़्यादा डालें क्योंकि नमक अच्छा लगता है अचार में, बहुत ही अच्छी लगती है अगर चटपटी सी रहती है तो। और जो मैं मसाला बनाई थी उसी में से मैंने पूरा नहीं डालूँगी, चम्मच से नाप करके 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। बाकी जो बच जाएंगे उसे हम रख देंगे, फिर किसी दूसरे अचार में यूज कर लेंगे या फिर सब्जी में। तो मैं देखिए इस तरह से मैंने डाल करके इस तरह से चला दी और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसे मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाए इसे। और इस तरह से इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, तो मैं वो करीब से दिखाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये अचार आप लोगों की, ये रेसिपी आप लोगों की कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपकी कमेंट की इंतज़ार रहेगी। और आप मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़। और मैंने सारे अचारों को एक छोटी सी डिनर में मैंने निकाली हूँ, और ये देखिए बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी बनी है अचार। और आप लोग बताइए कैसी बनी अचार, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएंगे ये अचार कैसे बनती है और कैसी लगती है। जब आप ट्राई नहीं करेंगे तब कुछ समझ में कैसे आएंगे जो ये कैसी होंगी। बहुत ही अच्छी लगती है, और जैसे कि मैंने बताई थी शुरू में एक कंटेनर में भर के और फ्रीज में रख दें तो आप 1 महीना तक इसे अच्छे से खा सकते हैं। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।